हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक के बारे में और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ऑडियंस है हमारे हर हर महादेव के नाम से उनका चैनल है, तो उनका कमेंट आया है कि आईसीआई बैंक पर वीडियो बनाई जाए, तो उनकी एक डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे स्टॉक को, मंथली चार्ट अगर हम देख रहे हैं, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल बेस वेस से चलें, यानी कि बेसिक से चलें, और मंथली चार्ट में आपको एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड मजबूत है तो वो आगे भी तरक्की कर सकता है, जिसका बैकग्राउंड वीक है तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये आप लोग एक आम जिंदगी में भी देखते होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मंथली चार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट में क्या स्थिति बनी है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो वीकली चार्ट पर आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ये रेजिस्टेंस है लगभग 1010 रुपए के आसपास। ओके, ये रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट जो स्टॉक का है वो 955 रुपए पर है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1010 पर रेजिस्टेंस है और 955 रुपए पर सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक इसी तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, बात करूं स्टॉक में मूवमेंट आने की, मूवमेंट आएगा तो हमें टारगेट कितना मिल सकता है, तो मैं आपको यहां से एक लेवल ड्रॉ करता हूँ। आगे जो हमें टारगेट्स मिल सकते हैं वो कहाँ तक मिल सकते हैं, ये लगभग 1234 पर हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, 1234 रुपए के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। ओके, अब डेली चार्ट पर एक बार बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। तो अब यहां से क्या हमें करना चाहिए, खरीदारी करें या ना करें, ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है, अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है तो आप 990 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करेंगे। ओके, 990 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करेंगे। ओके, और उसके बाद अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो 1010 के ऊपर जैसे स्टॉक सस्टेन करेगा आप स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे स्टॉक में फ्रेश एंट्री वाले, जिन लोगों ने फ्रेश एंट्री लेनी है उनको क्या करना है उसके लिए भी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री लेंगे उनको 1010 के ऊपर एंट्री लेनी है। जब स्टॉक 1010 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे अपना? स्टॉप लॉस रखेंगे आप 999 रुपए का। ठीक है, 999 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, 999 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, टारगेट आपका पहला 1070 का होगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 1070 का होगा, उसके बाद स्टॉक लगभग 1234 रुपए तक के आपको टारगेट्स दे सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1070 है और उसके बाद 1234 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।